नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उल्लास खत्री है। फ्रॉड इन्फॉर्मेशन और सेफ डील ग्रुप का कमेटी मेंबर हूँ। और फ्रॉड इन्फॉर्मेशन ग्रुप का काम ही यही है कि हर जगह पे हमें फ्रॉड रोकना है, और ज़्यादातर फ्रॉड लोगों की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से ही मिल जाती है। सेफ डील ग्रुप वो है जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऐसा ग्रुप बना है, बिजनेस ग्रुप है ये, जहाँ पे सारे सेलरों को, बायरों को आधार कार्ड वगैरह लेके उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है और वेरिफिकेशन किया जाता है कि आदमी वही है जो डॉक्यूमेंट दिया जाता है। और मेन बात जो करनी है वो ये है कि हर जगह पे आजकल फ्रॉड की बात देखी जाती है, आज इतने का फ्रॉड हुआ, जितने का फ्रॉड हुआ। मुझे शायद सबकी मालूम नहीं है, लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के अंदर ही कई तरह से और कई जगह पे फ्रॉड हुआ है। ये वीडियो से हम हमारे गवर्नमेंट को भी ये बात बताना चाहते हैं कि अगर वो लोग छोटे फ्रॉड को नज़रअंदाज करेंगे और उस पर ध्यान नहीं देंगे तो कुल मिला के वो फ्रॉड मिला के इतना होता है कि आप बात मत पूछिए सर। एक हिमांशु यादव है, उसके कई नाम है, AK इलेक्ट्रॉनिक्स, हिमांशु यादव, छोटू यादव, करण इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉड, इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार, ये कई नाम से अलग अलग नंबर लेके फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। पता नहीं इनको किस तरह से नंबर मिल जाता है, लेकिन वो ये आदमी अकेले आदमी का हम फ्रॉड देखने जाए तो मैं सिर्फ अभी ये 1.5 साल की बात करूँगा, क्योंकि मार्च 2023 में हमने ये ग्रुप चालू किया था, फ्रॉड इन्फॉर्मेशन ग्रुप, जब इसी हिमांशु यादव ने मेरे साथ फ्रॉड किया था। और उसके बाद अभी तक हम कुल मिलाने जाए तो ये अभी तक 50 लाख का फ्रॉड कर चुका है, हर आदमी से। कितने का, कई तो हमारे सामने आते हैं फ्रॉड किससे उसके, और कई उसके नहीं भी आते हैं, जो बेचारे को मालूम नहीं हम क्या करें, तो वो लोग बेचारे हाथ ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं। तो मेरी विनती है हर हिंदुस्तानी से, हर इंडियन से, कि ये ग्रुप में जुड़े, और ये ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर मिल सकती है। अगर ये ग्रुप में जगह नहीं है तो आप मेरा नंबर जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस पर आप मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और मेन बात यही कहना चाहूँगा, किसी भी लालच में ना आए, और किसी भी तरह का ऑनलाइन फेसबुक या यूट्यूब पे आपको एडवर्टाइजमेंट मिलती है तो पहला उसका पूरा वेरिफिकेशन किया जाए। अगर आपके पास कोई माध्यम नहीं है या कोई सोर्स नहीं है इसका वेरिफिकेशन करने के लिए, तो हमारा ये ग्रुप, ये हमारी जो कमेटी चलाती है, जो पूरे हिंदुस्तान के सारे राज्यों से हमने कुछ आदमी को चुने हैं जो ये पूरा दोनों ग्रुप को ऑपरेट करते हैं, और हमें उसी का एक हिस्सा हूँ, तो आपको यकीन मानिए सर, आपका पैसा बचाना हमारी ड्यूटी है, जिससे हमें कोई एक रुपया भी नहीं मिलता है, ना हम कभी किसी के पास से एक रुपया कमीशन लेते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य है ये देश के हर आदमी का पैसा सेफ रहे। दूसरी एक बात बताना चाहूँगा जो मेरे ध्यान में आया है, अभी मुझे कॉल आया था जिसमें मुझे बताया गया था, जैसे कंप्यूटर कॉल था, जैसे कॉल सेंटर से हमें आता है, कि हम साइबर क्राइम से बोल रहे हैं और आपका नंबर डार्क वेब में पकड़ा गया है, तो आपके सामने एक्शन ना लिया जाए, आप ऐसा चाहते हैं तो 24 घंटे में हमारा कांटेक्ट करें और आगे की जानकारी के लिए 9 दबाएं। ये तो मेरी बात थी। कई लोगों को इस तरह के कॉल आते हैं, मैंने उसका कुछ नहीं किया। हाँ, मेरे मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग ऑन था ताकि मैं तुरंत जाके साइबर क्राइम में ये बात बताई, तो उन्होंने बताया कि ये फेक कॉल है और इस तरह से आपकी सारी बैंक डिटेल या आपकी पर्सनल डिटेल वहाँ जा सकती है। तो ऐसे आप लोगों को कई जगह से ऐसे नंबर आते होंगे। जो बात मुझे साइबर सेल से मालूम पड़ा है वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। गवर्नमेंट की कोई भी संस्था है या कोई भी ऐसी ऑफिस से आपको कॉल कभी नहीं आएगा, ना पुलिस स्टेशन से आएगा, ना CBI से आएगा,
ना आपका वीडी से आएगा, ना कहीं से भी आपको ऐसा कॉल नहीं आएगा। उनको काम है तो या तो आपको लेटर भेजा जाएगा और नज़दीकी ऑफिस में आपको संपर्क करने के लिए कहा जाएगा, लेकिन कॉल पे कॉल करके आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन या आपको धमकी नहीं दी जाएगी। तो यह बात ये वीडियो के ज़रिए आप मान लीजिए। मैं सारे हिंदुस्तान को ये बताना चाहूँगा कि आपको कभी भी किसी भी फेक कॉल का, जहाँ पर आपको ये बताया जाए कि ये नंबर दबाइए आपको आगे की जानकारी मिलेगी, रुपया दो हाथ जोड़ के बिनती है ऐसा मत कीजिएगा, आपका पैसा जा सकता है। और गवर्नमेंट से मेरी ये बिनती है कि साइबर सेल को इस तरह से डेवलप करो कि 1500 वाले भी जो फ्रॉड होते हैं उनके ऊपर भी नज़र फोकस करें, और उन लोगों को पकड़े तो वो छोटी मछली है तो बड़ी मछली आपके हाथ में आएगी सर। क्योंकि आप इस तरह से अगर इनका केस सॉल्व नहीं करेंगे तो वो लोग हताश होकर आगे बड़े केस में भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे। बाकी हिंदुस्तान के हर इंसान को, खास करके जो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एक टीवी टेक्नीशियन हूँ और हमारे फील्ड में ऑनलाइन आजकल सस्ता रेट दे के बहुत कुछ फ्रॉड हो रहा है, और ये फ्रॉड इतना बढ़ने लगा है कि डेली के एक दो केस तो हमारे पास आ ही जाते हैं जो हम बात करके सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। और यकीन मानिए सर, इस तरह से बात करके हमने कई लोगों के पास से इनका पैसा रिटर्न दिलवाया है। हम इन लोगों को फ्रॉड नहीं कहेंगे, ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। हमारा कुल टोटल आंकड़ा अबाउट हम बोल सकते हैं 50 लाख के आसपास हमने अभी तक लोगों के पैसे वापस दिलवाए हैं, जिसकी हमने आज तक एक रुपया फीस नहीं ली, ना हम लेना चाहते हैं। लेकिन हम हर नागरिक को, हर आदमी को जागरूक करना चाहते हैं कि बगैर किसी पहचान के आप पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप कीजिए ही नहीं। आप अगर पूरी तरह वेरीफाई करके पेमेंट नहीं करेंगे तो आपकी पेमेंट जा सकती है, और ये गलती के लिए आप ही जवाबदार होंगे, सामने वाला नहीं। सामने वाला तो बैठा ही है आपको ठगने के लिए या आपको लूटने के लिए, लेकिन अगर आप सामने से अपना OTP या अपना पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे वो गलती आपकी होगी सर। और मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स भाइयों और टेक्नीशियन भाइयों को मैं यही बताना चाहूँगा, फ्रॉड इन्फॉर्मेशन ग्रुप और सेफ डील ग्रुप, ये दोनों एक अपने आप में एक महान ग्रुप है जिसको पहली बार ऐसा बनाया गया है कि जिसको हिंदुस्तान की जितने भी राज्य है वहाँ के कमेटी मेंबर ऑपरेट करते हैं। ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी वहाँ से कि आदमी कैसा है, फ्रॉड है या नहीं। रहा दिल्ली का बात, तो दिल्ली में हमारे बहुत अच्छे कमेटी मेंबर हैं। अगर आपको किसी लालच भरा मैसेज, आपको दिल्ली या आपका आसपास के एड्रेस का कोई मैसेज आता है, या बेंगलोर से, कलकत्ता से, कहीं का भी, तो आप एक बार हमारा संपर्क कर सकते हैं। हम आपको पूरी तरह से वो आदमी की इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। वो अगर समझ लीजिए कि वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो वो आदमी फेक है, आप उन पे ट्रस्ट मत कीजिए और उनको पेमेंट मत कीजिए। आशा रखता हूँ ये वीडियो आप जितना हो सके लोगों में शेयर कीजिए, और लोगों को ये बताइए कि फ्रॉड कैसे होता है, उसको रोका कैसा जाए। कई लोग नए नए फ़ोन लेते हैं, उसमें नहीं मालूम होता है कि किस तरह के कॉल का किस तरह से आंसर देना चाहिए। अगर आपको कोई भी कॉल आता है और उसकी लैंग्वेज या उसकी भाषा में आपको कोई तकलीफ लगती है या आपको समझ में नहीं आता है, तो वो कॉल ऐसे ही छोड़ दीजिए या तो उसको डिसकनेक्ट कर दीजिए। समझ में आए तो अच्छी बात है सर। बाकी हमारी हेल्प के लिए मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।